एक माँ जो है मल्लिका अपने घर की और दूसरी है दासी अपने पति की। आपने भी आया? आपने बताया नहीं आंटी को कि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। तेरे को सपने में आएगा कि ये होम्योपैथी की दवा के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता। अरे मुझे क्या पता, मेरे बच्चे को थोड़ी होम्योपैथी मैं देती हूँ दवा। इतने दिन मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया। दिस इज नॉट अ कोल्ड ड्रिंक, इट इज अ ब्रांड नेम। जब बदला घर तो बदले हालात। आपको बेटी बनानी होगी, कपड़े सुखाओगे, मैं बर्तन नहीं दूंगी। वो जो थोपने जाती है अपने ऊपर थोपने दूंगा नहीं। बर्तन का सलूशन अभी तक नहीं होगा, ये तो मेरे से भी नहीं होगा। एक मायान में कैसे रह पाएंगी दो तलवारें? मेरे बेटी को क्यों उठाया 8 बजे? माँ होने के हक से उठाया। कौन सा? माँ के दो रूप, अंतिमा और जहरा, और दोनों के बीच अंतर समुंदर से भी गहरा। एक पति पर हावी तो दूसरी पति से हारी। एक के हाथ में अपने घर की लगाम तो दूसरी अपने ही घर में गुलाम। एक ने छीने हैं जिंदगी के सारे रंग तो दूसरी के सपनों में ही लग गई है जंग। जब ऐसी दो माओं की होगी अदला बदली तो कैसी मचेगी खलबली। आइए देखते हैं माँ एक्सचेंज। इस हफ्ते चुने गए हैं दो परिवार मुंबई से। ये हैं जहरा मर्चेंट जो खुद का अपना स्पा चलाती हैं, और बैंड्रा में अपने पति फारूक, 15 साल की बेटी मुसर्रत और सास के साथ रहती हैं। ये अपने घर की बॉस हैं, क्योंकि इनके घर में अगर किसी की चलती है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी। बिना इनकी मर्जी के घर का एक पत्ता क्या इनके पति भी नहीं हिल सकते। I'm very dominating. मेरी बात अगर मैंने किसी को बोली हूँ तो I make sure कि वो मेरी बात सुने, उसको सुनना ही है। आजादी इनका मूल मंत्र है और ये जिंदगी अपने शर्तों पर पूरे ऐश आराम से जीती हैं। और आज का दूसरा परिवार है अंतिमा राउते का, जो अपने पति सुजीत, 9 साल के बेटे रुद्रेश और 5 साल की बेटी कृति के साथ वसई में रहती हैं। अंतिमा एक परफेक्ट होममेकर है। इनके लिए जिंदगी का मतलब अगर कुछ है तो वो है इनका परिवार। इस घर का हर निर्णय इनके पति ही लेते हैं, और किसी भी मुद्दे पर अपनी पत्नी अंतिमा की राय तक लेना जरूरी नहीं समझते। मेरे घर में सारे डिसीजन मेरे हस्बैंड ही लेते हैं, मैं कोई डिसीजन नहीं लेती हूँ। अभी मेरे को उन्होंने मना कर कर के इसलिए मेरे को ऐसे हद तक कर दिया कि मैं खुद नहीं चाहती कि मैं कुछ डिसीजन लूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे डिसीजन अच्छे ही नहीं है। अंतिमा के लिए अब अपनी इच्छाओं को भूलकर अपने परिवार को खुश रखना ही जिंदगी है। जहरा और अंतिमा, जिनके लिए जिंदगी की परिभाषा अलग अलग है, आज एक दूसरे की जिंदगी जिएंगी माँ एक्सचेंज में। अंतिमा बिताएंगी 8 दिन मर्चेंट फैमिली के साथ और जहरा बिताएंगी 8 दिन राउते फैमिली के साथ। I think to survive in this family, उसे you know, काफी adjusting होना चाहिए। पहली बार अपने बच्चों को अकेला छोड़ा, बस उसी से नर्वस हूँ। चलिए देखते हैं 8 दिनों के सफर में ये एक दूसरे के परिवार में क्या बदलाव लाते हैं। पहला दिन दोपहर 4 बजे। मैं अभी बस रुकी हूँ कि मैं अपनी नई वाली फैमिली से कब जाके मिलूं, काफी बेताब हूँ मैं। मैं मेंटली प्रिपेयर तो नहीं हूँ कि मैं किधर जा रही हूँ और उधर जाके कितने उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे मुझे। लेडीज का अगर फ्लैट है या बंगलो है तो मैं कुछ समझ में नहीं पा रही हूँ कि वो मेरे फ्लैट में एडजस्टमेंट कर पाएगी। थोड़े से नखरे हैं मेरे तो वो संभालना आई थिंक उनको थोड़ा सा भारी पड़ेगा। अगले 4 दिनों तक नई माँ को अपने नए घर के नियम कानूनों के तहत रहना होगा, मगर उसके बाद चलेगा नई माँ का हुक्म, यानी उसके बनाए गए नियम कानून। वाओ, कितने सारे सैंडल्स। लेडीज पेंसिल डालती है और मैं फ्लैट डालती हूँ। मुझे घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे पता नहीं।
बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। मुझे लग रहा है ये लेडीज गई है मेरे घर में। कलर्स है पिंक ऑरेंज ग्रीन लगता है सब डब्बा डुब्बा लेके कलर्स वलर्स मार दिया। गोदरेज के कबर्ड लग रहे हैं काफी पुराने। एक अच्छा सोच रही थी वार्डरोब होता तो। अंतिमा, नए घर का रास्ता तो आपने तय कर लिया है, अब जहरा और उनकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए चलिए पढ़ते हैं रूल बुक। मेरे घर में आपका स्वागत है। ओ थक गई हूँ मैं थोड़ी सी। एक्चुअली थक नहीं, डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ कि मैं क्या क्या चेंजेस करूँगी। मुझे और मेरी बेटी को शॉपिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। कपड़े ही नहीं है, कहाँ हो तुम लोग, किस दुनिया में हो बेचारे बच्चे। मेरा पति मेरी पसंद की शर्ट्स पहनता है, मुझे अपने पति से ही कपड़े पसंद करवाने पड़ते हैं। हस्बैंड के कपड़े दिख रहे हैं, हस्बैंड लगता है खर्चा करता है अपने आप पे। मुझे लगता है कि अपना ज्यादा ध्यान रखता है, बच्चों का और बीवी का थोड़ा सा कम। मैं सुबह 10 बजे तक नहा धोकर नीचे स्पा खोलती हूँ और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ओहो ये अच्छा है, चलो नॉन वेज खाते, वेरी गुड। हम अपने घर की सफाई रोज करवाते हैं, सारे ही काम हमारी मेड करती है। मुझे अपने घर की खुद ही सफाई करनी पड़ती है। मेरे घर में मेड नहीं है और पूरे घर की सफाई मैं खुद करती हूँ। फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट। मेरा पति सुबह जल्दी उठता है और मेरी बेटी के लिए स्कूल का टिफिन पैक करता है। बाप रे। मेरा बेटा सुबह 6:45 स्कूल के लिए जाता है, इसलिए मैं सुबह ठीक 5 बजे उठती हूँ। मुझे याद नहीं है मैं कभी लास्ट 5 बजे उठी थी। मुझे कोई काम करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता। घर खर्च का पूरा ध्यान मेरा पति ही रखता है। कभी कभी जब पति को काम से घर आने में देर हो जाती है तब मैं ही उनके लिए बाजार से हार्ड ड्रिंक्स ओहो चलो हार्ड ड्रिंक्स और सिगरेट खरीद लाती हूँ। चलो आप वो भी करते हो, दारू शारू भी मंगाते हो। अच्छा लगता है अपनी औरत को दारू की शॉप में भेजना। वाइफ काफ़ी खर्चीले स्वभाव की है और उनको किसी के रूल्स पसंद नहीं है सिवा अपने। मेरे पास एक बड़ा बंगला हो। आपने कुछ लास्ट वीक कुछ पोछा वोछा था जिसमें से जिनी निकला था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, क्योंकि आपकी ये सब हर ख्वाहिश अभी पूरी होने वाली है। उस घर का किचन भी बेहद आलीशान हो, साथ ही बाथरूम्स में अटैच बाथटब हो और टॉयलेट्स हो। कभी कभी जो चीजें किसी के लिए अहमियत नहीं रखती वही चीजें किसी का सपना हो सकती हैं। जहरा को हुआ है ये एहसास कि इनकी तरह हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हमारे पास एक बड़ी सी कार हो और पति के पास लैपटॉप हो। मेरे बचपन से ही ये ख्वाहिश रही है कि है, लेकिन क्या हालातों की वजह से मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाती हूँ। मुझे इस बात का हमेशा एहसास रहता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े होकर नाम कमाएं। एक दो पन्नों में ही मैं समझ गई थी कि ये औरत की लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं जो ये एक्सपेक्ट करती है, बट पता नहीं। फिलहाल तो आप मेरी जो ये 8 दिन की जो जिंदगी है ये आप खास तौर पर इंजॉय करें।
अब घर के नियम कानून जानने के बाद वक्त है अपने नए परिवार से मिलने का। हाय फारूक, ये मेरी मम्मी है जमीला, ये मेरी बेटी। आपका नाम क्या है? अंतिमा। घर में नूरी बोलते हैं मुझे। नूरी, अच्छा। हमने नूरी बोला चलेगा। आपका पेट में नूरी है आपका? हाँ। अच्छा, ओके। जो नूर है ना वो इसके लिए। हाँ। हाय, आई एम सजित। आई एम ज़ेरा। हाय, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? रुद्रेश। रुद्रेश। आपका? शी इज़ माय डॉटर। प्रीति। व्हाट? प्रीति। प्रीति, हाउ स्वीट। You like to dance, नहीं? आप लोग दोनों डांस पे जाते हो? शामक तावर? कौन सा डांस है? कथक है। ओह, यू लाइक टू डू कथक? नो, मम्मा भेजती है क्योंकि मम्मा को अच्छा लगता है। तो मम्मा को भेजो ना, मम्मा को बोलो आप मेरे को क्यों भेजते हो, आपको कथक अच्छा लगता है? वेरी गुड। अच्छा नूरी, आर यू टेकिंग चार्ज ऑफ इट टुडे? तो जो वीकली एक्सपेंस है, ओके, तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। मुझे बहुत अच्छी लगी, प्यारी लड़की लगी है, मिलनसार लगी, शांत लगी, ये बिल्कुल मेरे पसंद की लड़की है। मर्चेंट फैमिली में आते ही शांत स्वभाव वाली अंतिमा ने दादी के दिल में अपनी जगह बना ली और दादी ने अपना प्यार दिखाते हुए नूरी के लिए